दोस्तों भारत में गाय को माता कहा जाता है। यहाँ पर हिंदुओं के हर घर में पहली रोटी गाय के लिए ही बनती है। यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए गाय की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है, जिसकी हम पूजा करते हैं वो दूसरों का झूठा भोजन क्यों खाती है? एक समय की बात है, जब माता पार्वती और भगवान शिव समुद्र किनारे घूम रहे थे, तभी भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और वे बहाना बनाकर वहाँ से चले गए। लेकिन माता पार्वती ने उसी दिन भगवान शिव के लिए व्रत रखा था, जिसमें माता पार्वती खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकती। दिन भर की प्रतीक्षा करने के बाद भी भगवान शिव वापस नहीं लौटे, तब माता पार्वती ने समुद्र के रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करके उसको विसर्जित कर दिया। तब भगवान शिव ने माता से पूछा कि मेरी पूजा क्यों नहीं की। तब माता ने वहीं पास खड़ी गाय की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में मैंने शिवलिंग की पूजा करके उसको विसर्जित कर दिया था, जिसकी साक्षी यह गाय है। जब भगवान शिव ने गाय से पूछा तो गाय ने यह कहते हुए झूठ बोल दिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी माता पार्वती ने क्रोध में आकर उसको श्राप दिया कि कलयुग में एक दौर ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लोगों का झूठा भोजन खाना पड़ेगा। और वही श्राप जो माता पार्वती ने गाय को दिया था, उसको तब से लेकर आज भी गाय उस श्राप को भोग रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।